आईपीएल क्रिकेट मैच पर लाखों का सट्टा लगाते 5 व्यक्ति गिरफ्तार। 2 लैपटॉप, 2 टैबलेट व 23 मोबाइल फोन व लाखों का हिसाब किताब जब्त। पुलिस थाना गोगुंडा। विकास शर्मा जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा आईपीएल मैचों के दौरान जिला उदयपुर में चल रही सट्टेबाजी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई तथा धरपकड़ अभियान के तहत एव रंजिता शर्मा आईपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय तथा भूपेंद्र पुलिस उप अधीक्षक व्रत गिरवा उदयपुर के सुपरविजन व दिशा निर्देश में पुलिस थाना गोगुंडा टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर पुलिस थाना गोगुंडा क्षेत्र में दादिया रोड कजादड़ी में दिनांक 14/5/2023 को कोलकाता नाइट राइड्स तथा चेन्नई सुपर किंग्स के मध्यम चल रहे क्रिकेट मैच पर कुछ युवक को सट्टेबाजी करते धर दबोचा। सूचना पर टीम द्वारा सूचना के आधार पर दबिश दी गई तो मौके पर 5 व्यक्ति तुलसीराम पुत्र रामलाल प्रजापत उम्र 40 साल निवासी मजावड़ी पुलिस थाना गोगुंडा जिला उदयपुर प्रवेश जोशी पुत्र हसमुख लाल जोशी जाति ब्राह्मण उम्र 51 साल निवासी फ्लैट नंबर 603 शुभम सोसाइटी शांति पार्क पुलिस थाना मीरा रोड जिला ठाणे महाराष्ट्र गोपीलाल पुत्र रोड़ाजी प्रजापत उम्र 54 साल निवासी गजावड़ी पुलिस थाना गोगुंडा जिला उदयपुर भगवती लाल पुत्र भवन लाल प्रजापत उम्र 34 साल निवासी नांदेशमा पुलिस थाना सायरा जिला उदयपुर हितेश राव पिता भगवती लाल राव उम्र 33 साल निवासी मजावड़ी पुलिस थाना गोगुंडा जिला उदयपुर कोलकाता नाइट राइड्स तथा चेन्नई सुपर किंग्स के मध्यम चल रहे क्रिकेट मैच पर सट्टेबाजी करते हुए गिरफ्तार किया। उक्त लोगों के कब्जे से सट्टे के उपकरण 2 लैपटॉप 2 टैबलेट 23 मोबाइल 2 एलईडी टीवी इंटरनेट राउटर तथा सट्टे का हिसाब मिला जो मौके पर जब्त किया गया। उक्त सभी सट्टेबाजी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई। सट्टा उपकरण जब्त किए गए तथा मामला दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी किया। विशेष भूमिका पुलिस टीम अनिल कुमार थानाधिकारी गोगुंडा नंदलाल सहायक उप निरीक्षक हेड कांस्टेबल विजेश कुमार पवन सिंह कांस्टेबल नरेंद्र कुमार रामदयाल राम प्रसाद नंद किशोर मुकेश दास किशोर कुमार कांस्टेबल शिव सिंह की रही।